हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई जर्नी में। और आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं झारखंड संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। रांची राजधानी का वीडियो तो पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन रांची आज फिर से हम लोग जा रहे हैं संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे सरकार का ATM लगा हुआ है, मोबाइल ATM, मतलब ये मूवेबल है। वैसे आ गए, क्या बात है, शायद मेरे को पैसे भी मिल गए। मोबाइल ATM का मतलब ये है कि जो वाहन है जो गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया, ये कहीं भी गवर्नमेंट से पार्क कर सकते हो और वहाँ से आप पैसे निकाल सकते हो। कानपुर सेंट्रल के जस्ट बाहर, मतलब देखो पीछे अपने स्टेशन है, यहाँ पे से लगाया गया। स्टेशन सक्सेसफुल हुआ? सक्सेस रहा है, मैंने देखा, मतलब इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है स्टेशन पे, तो यार क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए। चलो बढ़िया है, हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस था कि मतलब इससे पैसे निकलेंगे कि नहीं। और ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से देखो सभी तरह की सुविधाएँ इस मोबाइल ATM में उपलब्ध हैं कि सब एक तरफ। और कानपुर सेंट्रल की ये खूबसूरती एक तरफ, जो बाहर से रेलवे स्टेशन बना है ना, इससे खूबसूरत मुझे कोई रेलवे स्टेशन नहीं लगता। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कैसा लगा आपको कानपुर सेंट्रल का लुक। प्लेटफॉर्म 5 पे अपनी ट्रेन आएगी और यहाँ पे अभी कोलकाता आगरा कैंड खड़ी हुई है। प्लेटफॉर्म पूरा पैक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। क्यों सेंस कानपुर में भाई साहब, अलग देखो स्वेटिंग हो रही है, भयंकर गर्मी दिखी, क्या ही बताऊँ। और अभी अपनी गाड़ी आएगी तो आपको दिखाऊँगा। बाकी ये गाड़ी कोलकाता का भी जो डिपार्चर सिग्नल है वो हो चुका है, 1:35 पे अपनी गाड़ी यहाँ पे आती है। सुबह 4:45 यानी 4:45 पहुँचाती है रांची, मतलब समझ लो आप। यहाँ से DDU का तो सेक्शन हमेशा की तरह हमें दिन में मिलेगा, उसके बाद का सेक्शन रात में मिलेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन होते हुए हम लोग आगे अपने सफर में बढ़ने वाले हैं मुरी के रास्ते। चलो ये जर्नी हम लोग देखेंगे। और इस ट्रेन का जो डिनर है वो ट्रेन से ही खाएंगे। पेंट्री कार के फूड का भी रिव्यू करना था, बहुत कमेंट आ रहे थे कि आपको ये झारखंड संपर्क क्रांति देखनी है, मौका अच्छा है, दस्तूर है, पूरा करते हैं इस मौके को। कानपुर सेंट्रल में ट्रेनों का वेट करने में एक मज़ा है, यहाँ की अनाउंसमेंट और साथ में बैक टू बैक ट्रेनें उधर खड़ी हुई है, बरौनी ग्वालियर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आ चुकी है गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि अपने दूसरे घर यानी बेंगलोर जा रही है PTRC WP7 के साथ। देखते हैं भाई अपनी गाड़ी कब तक आती है हमें। अभी यहाँ पे मुझे लगा था कि मेरी ट्रेन आएगी क्योंकि 1:35 उसका अराइवल टाइम था, पर यहाँ पे आज की है नंदन कानन एक्सप्रेस आनंद विहार से पूरे के बीच चलने वाली। और आप लोगों ने मतलब इसमें भी मेरी एक जर्नी देखी होगी फैमिली के साथ, हम लोगों ने फैमिली के साथ इसमें ट्रैवल किया था, बट क्या करें अभी अपनी ट्रेन लगता है इसके कारण थोड़ी लेट हो रही है। गोविंदपुरी तक तो पहुंच गई, मैंने उसका लोकेशन ट्रैक किया था, देखते हैं कब तक आती है अपनी गाड़ी यहाँ पर। इंतज़ार था हमारी ट्रेन का और ये यहाँ पे आ चुकी है भाई, क्या बोलें, लोकोमोटिव स्पेशल लगा है, तेजस लोकोमोटिव के साथ यहाँ पे आ रही है अपनी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। क्या ही बोले, मज़ा आ गया TW7 के साथ अपनी आनंद विहार रांची संपर्क क्रांति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आते हुए। बात बता दूं, आज की जर्नी हमारी AC फर्स्ट कम टू टियर के कोच में है, आधा 2 AC है, आधा फर्स्ट AC है। चलते हैं अपने केबिन में। तेजस लोकोमोटिव है, 2 बनाए गए थे, इसके बाद बनाए नहीं गए, काफ़ी ट्रायल हुए पर शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए लोकोमोटिव उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है। लेकिन आज हम इसके पीछे यात्रा कर रहे हैं तो मज़ा तो बहुत आएगा। बाकी इधर कोई तो गाड़ी है जो निकल रही है, अच्छा ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है आनंद विहार कामाख्या, हमारे आगे आगे ही चले गए, पूरे रास्ते निकल चुके हम लोग भी। यहाँ से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जस्ट इसके पीछे पीछे हम लोग भी निकलेंगे। 1:35 से 1:45 5 मिनट का हॉल्ट टाइम था, बट ट्रेन हमारी यहाँ पे अभी सामान देखो इसमें उतारा चढ़ाया जा रहा है तो टाइम तो लगेगा, देखते हैं कब तक निकलती है। तो सेंट्रल की बात की जाए ना तो आप यहाँ से बहुत सारे रूट्स के लिए बढ़ सकते हो, जैसे कि अपनी झांसी वाली लाइन, लखनऊ वाली लाइन, यहाँ से अनवरगंज फरुखाबाद वाली लाइन, प्रयागराज वाली लाइन, जिसमें हम लोग बढ़ने पर हमारी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पर नहीं रुकने वाली है, ये खास बात है इस ट्रेन की, प्रयागराज नहीं सीधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जाकर रुकेगी। अब ये संपर्क क्रांति ट्रेन है जिन्हें नॉन स्टॉप चलने के लिए बनाया गया है, तो भाई स्टॉप तो कुछ ऐसे ही है। DDU के बाद सीधा कोडरमा जंक्शन और उसके बाद एक स्टॉप और है, उसके बाद सीधा गोमो रात 12 बजे, मतलब कम स्टॉपेज के साथ रफ्तार वाली जर्नी। ये है कुछ कॉन्सेप्ट संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का। बाकी खाने पीने की चीज़ों की बात है तो कानपुर सेंट्रल में अवेलेबल है, बट मैं यहाँ के खाने पीने को रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं खुद यहाँ का हूँ, लेकिन स्टेशन के खाने पीने को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट हाँ, फल वगैरह ले सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी एक्सप्रेस कालका से हावड़ा के बीच चलने वाली, और यहाँ
यहाँ अपनी ट्रेन निकल चुकी है कानपुर से 2:15 पर, मतलब समझ लो आप काफ़ी देर यहाँ पर रोका गया क्योंकि सामान इसमें चढ़ाया जा रहा था। मालगाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है ना, ये जा रही है लखनऊ लाइन पर, हम लोग प्रयागराज वाली लाइन पर बढ़ रहे हैं। यहाँ से रूट अलग होते हैं, मज़ा आ गया है दिखाने में मेरे को तो, अच्छा खासा एग्जांपल आज मिल गया। बाईपास लाइन जहाँ से आजकल 2-4 ट्रेनें निकलने लगी, जैसे प्रयागराज हमसफ़र, विरावल, बनारस, ऐसी जो कुछ ट्रेनें हैं ना वो निकलती हैं यहाँ से। बाकी बच्चे देखो पतंग के पीछे भागते हुए, पतंग वो कट के देखो गिर रही है। कभी आप लोग पतंग के पीछे ऐसे भागे हैं शौक से? है तो ये काफ़ी रिस्की काम कि बच्चे खुले ट्रैक पर ऐसे दौड़ रहे हैं। यहाँ पर ट्रेन की कोई हॉकिंग सुनाई देते हुए हमें कोई ट्रेन आ रही लग रहा है। मालगाड़ी खड़ी है लाइन से वहाँ पे। फर्स्ट एसी का वॉशरूम बहुत बुरे हाल में, मतलब जनरल जैसा आप समझ लो, बहुत गंदी बदबू आ रही, बहुत बुरे हाल में, मतलब कोई मेंटेनेंस नहीं मुझे लगता है। ये तो ठीक है लेकिन यहाँ से बहुत बुरा हाल है। बाकी भाई आज के लिए अपना है ये केबिन जहाँ पे अपनी 2 सीटें हैं, तो काम अपना आज यहीं पर चलेगा। ठीक ठाक है, मतलब साफ़ सुथरे, इसमें बेड रोल्स वगैरह दिया गया है, उस चीज़ से तो कोई शिकायत नहीं है। बाकी ये सब आपको लगाना खुद ही पड़ेगा, इसे अरेंज कर लेंगे। 4 लोग वाला केबिन है अपना आज, अपर बर्थ में जाने के लिए यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ वगैरह मिल जाती हैं। बाकी अटेंडर कॉलिंग बेल से लेकर सभी सुविधाएँ यहाँ पे अवेलेबल हैं, एंड चार्जिंग सॉकेट 4 पैसेंजर के लिए यहाँ पे। कुछ ऐसा अपना फर्स्ट एसी, आ जाओ विराज। पहुंच रही है फतेहपुर रेलवे स्टेशन, लेकिन हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस और एक और कोई गाड़ी वहां पे अभी भी प्लेटफॉर्म ऑक्यूपाई किए हुए खड़े हैं। देखो 2-2 प्लेटफॉर्म, 2-2 गाड़ियां वहां खड़ी हैं, इसलिए हमारी ट्रेन को भी एंट्री नहीं दी जा रही है और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी शायद किसी ट्रेन को ओवरटेक करेंगे, हो सकता है वो कोलकाता वाली एक्सप्रेस हो, आगरा कैंट कोलकाता वीकली वाली वो भी हो सकती है, क्योंकि देखे तो वैसे ही लग रहा है। बाकी हावड़ा जोधपुर भी आगे जाएगी, अपनी ट्रेन भी आगे जाएगी, दोनों ही हाई प्रायोरिटी वाली गाड़ी है। सोचा था कि फतेहपुर को आज भी हम लोग तेज रफ्तार में स्किप करेंगे, पर उम्मीद थोड़ी कम दिख रही है, वो तो मैंने आपको दिखाया क्यों। क्या लगता है हमें रोका जाएगा या हम स्किप करेंगे?
कोलकाता के आगे आगे हम लोग निकलते हुए, ये तो मैंने आपको कानपुर सेंट्रल में ही दिखा दी थी। लगभग हमारे आधे घंटे आगे आगे चल रही थी ट्रेन, और यहाँ से हम आगे। भाई जो लोग फतेहपुर से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैं तो भाई संतरे खा खा के काम चला रहा हूँ मौसम में। मैंने चाउमिन ले ली है ट्रेन की और यहाँ पे रेटिंग का भी काम चल रहा है। ये कितने की पड़ी चांस? 40 रुपये। 40 रुपये वेज चाउमिन, अंडा चाउमिन भी थी अवेलेबल। अब देखते हैं टेस्ट कैसा है। पकड़ो एक एक, हम लोग बस रिव्यू करने के लिए ले रहे हैं। भूख वगैरह तो कुछ थी नहीं, कानपुर से खा के ही चले थे घर से। 40 के हिसाब से ठीक ठाक है। अच्छा, जो हमें स्वाद चाहिए था उस लेवल का नहीं है ना? उस लेवल का तो नहीं है, पर ट्रेन में चाउमिन मिल रहा है वो अच्छी बात है, और रेट भी ठीक ठाक है, और उस हिसाब से टेस्ट भी अच्छा है, रिकमेंडेड है। बाकी सूप वगैरह कुछ बना बनाया, चाय वगैरह कुछ आती तो आपको दिखाते हैं। इसे फिनिश करते हैं, और हमने खाना भी ऑर्डर कर लिया है मेलोफाई से, जो कि उनका व्हाट्सएप का ऑप्शन है। आप व्हाट्सएप से डायरेक्टली भी ऑर्डर कर सकते हो, हाय भेज के, PNR भेज के, लिस्ट ऑफ क्विजिन्स आ जाएगी, वहाँ से बढ़िया खाना ऑर्डर कर सकते हो। फिर से मैंने DDU से कुछ ऑर्डर किया एकदम लाइट सा, वो आपको दिखाएंगे, और ट्रेन से भी एक थाली लेंगे और उसे रिव्यू करेंगे। गाड़ी हमारी ट्रेन के आगे निकलते हुए, एक साथ दो दो माल गाड़ियां यहां पे जुड़ी हुई हैं, और यहां पे WAG-12 बीच में है, आगे WAG-9 लोकोमोटिव था। तो यहां पे आप लोगों ने देखा कैसे इंडियन रेलवे में एक साथ दो माल गाड़ियों को जोड़ करके चलाया जाता है। बनारस दिल्ली वंदे भारत। देश की सबसे पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। अच्छी बोलो तो आज प्रयागराज चाहता ही नहीं कि हम लोग प्रयागराज को स्किप भी कर पाए। एक्सप्रेस, आप लोगों ने एक जर्नी देखी है मेरे साथ इसमें। 5:20 हो रहा है, ट्रेन लगभग 20 मिनट से आउटर पर खड़ी है। मैं आपको दिखा दूँ, आउटर ज़्यादा दूर नहीं है, देखो वहाँ से प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू हो जाते हैं उसके पार करते ही, पर अब तक ट्रेन को हमारी निकाला नहीं गया। मतलब इससे अच्छा तो भाई प्रयागराज में हॉल्ट ही दे दो, स्टेशन के प्लेटफॉर्म में ही रोकेंगे, आउटर पर पहले लाएंगे, धीरे धीरे 40 मिनट से रेंग रही है, फिर अभी आउटर पर से पहले रुक गई है, यहाँ रुक सकती है, बट प्लेटफॉर्म में हॉल्ट नहीं दिया है भाई। ऐसा क्यों प्रयागराज वालों के साथ ये अत्याचार क्यों? संपर्क क्रांति है माना, लेकिन हॉल्ट देना चाहिए। जब बाहर आप रोक सकते हो इतनी देर, तो स्टेशन में तो रोक ही सकते हो। फिर भी देखो कब तक स्किप करते हैं, आपको बताएंगे सिग्नल कब होता है, इसको कब मिलता है। तो यहाँ पे लगभग आप समझ लो 5:35 के आसपास हम लोग स्किप कर रहे हैं प्रयागराज जंक्शन को। अब देखते हैं स्किप होता है कि हॉल्ट होता है आज। भाई ये ओवरटेक किसको पड़ रहा है अब? नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को। ओवरटेक तो नहीं होगा भाई, सिग्नल नहीं दिया गया है, रुकेगी गाड़ी अपनी। अच्छा ये रुक जाए तो हम लोग भी पानी लेने का मौका ही ढूंढ रहे थे। ट्रेन में अब तक कोई वेंडर पानी लेके आया नहीं है। ओवरटेक तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर रहे, पर नॉर्थ ईस्ट के रूट की बात की जाए तो पाटलिपुत्र होते हुए ये जाती है कामाख्या के लिए, न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए। नॉर्थ ईस्ट को तो हमने पार ही कर लिया यार, कितना आगे जाएगा अभी? तो अपनी प्रयागराज रोक दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि
यहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटे का डिले हो चुका है। भैया लोग बोल रहे थे कि भाई ये जाएगी नहीं समय से सुबह। इसका एवरेज डिले ही 1.5 से 2 घंटे का होता है रांची पहुँचने का, 5:30-6 के बाद ही पहुँचेगी और 6:15 वहाँ से वंदे भारत निकलती है। तो इन लोगों ने सजेशन दिया कि भाई आप मुरी का बोर्डिंग पॉइंट चेंज कर लो, क्योंकि 3:30 बजे इसका टाइम है, 5 बजे तक मुरी पहुँच जाएगी और 6:15 बजे तक वंदे भारत आएगी। ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी हुई जिसके कारण मुझे इसका बोर्डिंग पॉइंट वगैरह जो है चेंज करना पड़ा अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का, वो मैंने चेंज कर ही दिया है। अब देखा जाएगा क्या होगा। इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको पता चलेगा मैंने वंदे भारत पकड़ी कि नहीं, इस चीज़ को जानना है। वीडियो को एंड तक देखो, मेरे को भी नहीं पता क्या होने वाला है मेरे साथ। फिर से मौका था मेरे पास इस लोकोमोटिव के एक दर्शन करने का शाम में, तो मैं फिर आ गया, क्योंकि रात में अंधेरा हो जाएगा फिर ये सभी चीज़ आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा भाई। और उधर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस को हमसे आगे आगे भेज दिया गया है। बाय बाय नॉर्थ ईस्ट, हमसे आगे आगे निकलते हुए भाई। मैं सोचूं इसको ओवरटेक कैसे कर दिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट काफ़ी प्रायोरिटी वाली गाड़ी है। एक ज़माने में इसे NE के नाम से जाना जाता था कि NE एक्सप्रेस, काफ़ी तगड़ी गाड़ी है, इसको कैसे ओवरटेक कर दिया। पर हाँ, अपना शक सही था, ओवरटेक नहीं हुआ, नॉर्थ ईस्ट आगे ही जाएगी यहाँ भी। पर कोचेस का हाल देखो, गाड़ी का हाल देखो, क्या बना दिया है भाई। नॉर्थ ईस्ट की ट्रेन का पता नहीं क्यों कोई मेंटेनेंस नहीं होता, कुछ नहीं होता, कितने भी नए रेक दे दो, कुछ भी दे दो भाई, बुरा हाल हो ही जाता है उसका। फाइनली हमें प्रयागराज से निकाल तो दिया गया है, अब देखो क्या होता है आगे कहानी। इस वीडियो में पूरा एंड तक आप बने रहना, तभी आपको भी मेरे जैसा थ्रिल आएगा कि क्या होने वाला है। क्योंकि मैं भी अभी सोच में हूँ, जब से इस गाड़ी की तारीफ सुन ली कि भाई 1.5-2 घंटा लेट होती है, इच्छा ऐसे ही डामाडोल हो गई है। यहाँ पे शाम ढल रही है और नैनी जंक्शन से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ नैनी से जबलपुर वाला लाइन जो है वो अलग हो रही है हमसे, जबलपुर के लिए वो सामने जो रूट है ना वो निकल जा रहा है। हम लोग बढ़ रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए। जोश में रिकॉर्ड कर रहे थे लेकिन ये स्थिति देखने के बाद रिकॉर्डिंग का मन ही चला गया। आगे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस लेट चल रही है, पीछे नंदन कानन भी लेट है और ये अपनी झारखंड संपर्क क्रांति ये भी लेट है। विक्रमशिला पीछे राइट टाइम दिखा रहा है, पीछे कोई तो गाड़ी इतना लेट दिखा रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्या होगा। देखते हैं DDU कब तक पहुँचते हैं। हम लोगों ने डिनर तो DDU में भी ऑर्डर किया और एक ट्रेन से भी ऑर्डर किया हुआ है।
समझ नहीं आ रही इस गाड़ी के साथ क्या चल रहा है। हावड़ा से, सॉरी कालका से हावड़ा के बीच में चलने वाली नेताजी एक्सप्रेस जो है, जो कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल सकती है, ICF कोचेस की है, वो इसको 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलने वाली गाड़ी को ओवरटेक करके गई है। बल्कि उसका DDO से डिपार्चर है अराउंड 8:50 या 9:00 के आसपास, और हमारा तो 7:10 के आसपास का था, फिर भी उसे आगे ले जाया गया है। और मिर्ज़ापुर में अभी वो पहुंच गई है, उसका हॉल्ट है, इसलिए हमें उससे पहले रोका गया है। बल्कि हम लोग 130 चल सकते हैं, आगे निकल सकते हैं, ओवरटेक कर सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग आगे चल रहे थे, पहले तो उसे निकाला गया। तो मिर्ज़ापुर में जब तक वो खड़ी है हमें धीरे धीरे ले जाया जा रहा है। भाई क्या हो रहा है पता नहीं यार, क्या कंट्रोलिंग चल रही है आज, ऐसा ना हो कि मुरी से भी छूट जाए उतने बारह, कोई भरोसा नहीं है जैसी कंट्रोलिंग चल रही है। नेताजी एक्सप्रेस जो है ये पहुंच चुकी है DDO, मतलब इसने रास्ते में नॉर्थ ईस्ट को भी ओवरटेक किया और हमारी झारखंड संपर्क क्रांति को भी। और DDO में देख लो 1.5 घंटे ज़्यादा का डिले तो यहीं हो गया है। और नॉर्थ ईस्ट बस ये पहुंचने वाली है और इसके जस्ट पीछे पीछे हम लोग भी अभी एंटर कर रहे हैं DDO। टाइम तो अभी भी लगेगा लेकिन मैं आप लोग फिर भी दिखा दूँ, 7 बजे का लगभग टाइम था, 8:30 हो रहे हैं। सबसे आगे नेताजी गई है, सबसे आगे, 1 घंटा लेट होने के बावजूद ICF कोचेस की गाड़ी जो कि 110 चलती है सबको पीछे छोड़ते हुए आगे की ओर गई है। भाई ये होती है प्रायोरिटी, अब इस गाड़ी में जर्नी अपने को मांगता है, कब करनी है आप लोग बताओ। भाई हम लोग पहुंच रहे हैं DDO 8:50 पे, जब नेताजी के डिपार्चर का ऑफिशियल टाइम हुआ है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस है, ये भी हमारे आगे आई है बिचारी, इसको भी ओवरटेक पड़ा है। नेताजी एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी हुई है सबको ओवरटेक करके। पता नहीं यहाँ से भी शायद वही आगे जाए, क्योंकि जिस जोश में उसको आगे तक लाए हैं ना ICF होने के बावजूद, मजा आ गया देख करके। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन में आपको रात के समय में फल वगैरह सभी चीज़ आसानी से मिल जाएंगी। भाई सामने बार बार नेताजी एक्सप्रेस को देख करके मेरे को वही याद आ रहा है, भाई कैसे ये गाड़ी ICF होकर के हमारी दोनों स्पीडिंग ट्रेन के आगे पहुंच सकती है, नॉर्थ ईस्ट एंड हमारी संपर्क क्रांति के भी आगे नेताजी एक्सप्रेस। अपना अराइवल हो रहा है, नेताजी को डिपार्चर सिग्नल भी मिल गया। भाई साहब ये है प्रायोरिटी का खेल, पूरा का पूरा प्रायोरिटी का खेल है, देख लो भाई आपके सामने निकल रही है, हम लोग एंट्री कर रहे हैं, गाड़ी निकल रही है। बोलूँ मतलब अब मेरा मन कर रहा है कि उसमें एंड टू एंड जर्नी करनी है, वो भी कालका से हावड़ा के लिए ही। आप लोग मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि मुझे करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरे से तो रहा नहीं जा रहा है भाई। 2 बार है उसका मेरे साथ, विभूति में ट्रैवल कर रहा था तो वही पीछे से ओवरटेक करके चली गई, बल्कि 2 घंटा बाद चली थी DDO से विभूति के। उसके बाद अभी हाल में संपर्क क्रांति जैसी ट्रेन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, उसको भी जाके भाई इतना ज़बरदस्त ओवरटेक करके जाएगी तो कैसे चलेगा। नॉर्थ ईस्ट को भी ओवरटेक किया सबके आगे आगे, नॉर्थ ईस्ट उस तरफ खड़ी है फिर भी ये आगे जा रही है। भाई ये है कालका मेल, करना है अब ट्रैवल। अब मैं लिटरली किसी गाड़ी से इम्प्रेस हुआ हूँ आज के पूरे दिन में या बहुत दिनों बाद, तो वो ये है। अभी ICF में है तब ये हाल है, जब ये भी 130 हो जाएगी तो मुझे लगता है राजधानी वाली लेवल की प्रायोरिटी मिलेगी इसको। बाकी अपना रेलोफाई का खाना जो है वो आज का है। आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय आ रहे हो ना, तो ऐसे आपको ठेले मिलेंगे, वहाँ से ये बनवा लेना मूंगफली वाली चाट, ये सबसे ज़्यादा हेल्दी होती है, प्याज टमाटर नींबू मिर्चे के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है।
बाकी हम लोग का खाना भी रेलोफाई से आज का है ना, और कैश पेमेंट किया था हम लोगों ने, पर ये सबसे ज़्यादा मैंडेटरी यहाँ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने मेरा कोई भी व्लॉग देखा होगा और उसमें ये चीज़ ना देखी हो, क्योंकि मैं हर बार खाता हूँ, हर बार कोशिश करता हूँ कि मिस ना हो। हेल्दी एंड ज़बरदस्त, मस्ट रिकमेंडेड, कभी आ रहे हो ट्राई ज़रूर करना। डीडीओ के हर प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, ऐसे कोई स्पेसिफिक स्टॉल नहीं है, हर कोच के आगे हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह आपको ये चीज़ मिल जाएगी। फाइनली हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं, प्लेटफॉर्म 2 से हम लोग निकल रहे हैं अभी। टाइम देख लो, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना, मतलब इतनी देर हम लोग यहाँ रुकेंगे, और हम लोग सबसे आखिरी में जाएंगे। कालका मेल जा चुकी है, नॉर्थ ईस्ट जा चुकी है, अब हमारा नंबर लगा है यहाँ पर। इंडिया का सबसे बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड है यहाँ पे, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बहुत ही बड़ा है और इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बनारस के लिए भी लाइन गई हुई है, पर बनारस के लिए तो आज हम लोग नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग अपने सफ़र में कोडरमा होते हुए गुमोह के लिए बढ़ेंगे। रेलो फाइक उसमें आया हुआ है अपने लिए स्पून्स वगैरह इसमें, और साथ में दो कटोरी टाइप के दिए गए हैं, प्लेट भी है, और इसमें है बिरयानी चमक रही है, और इसमें केवल दाल चावल जो श्यांश ने मंगाया था अपने लिए, और इसमें रायता दो। ये बिरयानी है, ये सब अपने को पड़ा है 350 रुपये, जिसमें डिलीवरी चार्ज था 30 रुपये का। बिरयानी कुछ ऐसी आई है, टेक्सचर आप देख लो, और यहाँ पे है रायता, दाल और चावल। चलो भाई श्यांश जल्दी से टेस्ट करो उसको। बस रायते में दही सूख गया है पूरा। मेन चीज़ है दाल चावल, खाता नहीं हूँ, पर देखते हैं कैसा है। तो फाइन हो जाएगा इसका पक्का, 10/20 रेटिंग वाला खाना है आज दाल चावल के मामले में, देखो कैसा है। नहीं सच्चा, मैंने बोला फैन हो जाऊंगा तो टेस्ट करना ज़रूरी है। आज आया ना जबरदस्त, ये शायद लाइफ में पहली बार हुआ होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे खाना अच्छा मिल गया। एक्चुअली स्टेशन के हम लोगों ने तो रेलो फाइस ऑर्डर किया है, तो रिकमेंडेड है आपसे, आप सभी के लिए, गजब का टेस्ट भाई। ये रेलो फाइस का खाना सही में बढ़िया है, देख लो। मेरी इससे बिरयानी की लालच बढ़ रही है, जरा टेस्ट कर लेंगे। कर लो। अच्छा बिरयानी को भेजा भाई, देखो जरा आप टेस्ट करो, फैन हो जाओगे आप, लिटरली बिरयानी के फैन आप हो जाओगे। एक्सचेंज चल रहा है क्या, फैन? सच में ये बिरयानी होती है ओरिजिनल, वेज वाली बिरयानी ट्राई करनी तो यही बेस्ट है, और 350 में इतना सारा खाना मिला तो उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, जब जो कि हाइजीनिकली पैक होके आ रहा है। और दो रायता हमने अलग से मंगाया था इसलिए उसके चार्जेस जुड़े हैं, इसलिए वो 350 हुआ, वरना 250 में सारा काम निपट जाता। मैं अभी अपनी जो ट्रेन है ये हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा लेट, मतलब क्या ही बोलूँ आपको, जो इसके आने वाले हॉल्ट हैं ना बहुत लेट आने वाले हैं सारे, देहरी उनसून में और गया, बहुत सारे स्टेशन तो स्किप हैं, लेकिन अगला जो हॉल्ट होने वाला है वो है अपना कोडरमा। अपनी जो ट्रेन है उसकी बहुत ज़्यादा लेट, और कोडरमा आने वाला है रात 1 बजे तक इसका पहला हॉल्ट, उसके बाद हज़ारीबाग और सुभाष चंद्र बोस देख लो 2 बजे के बाद, मूरी सुबह 3:30 बजे, तो हो गया भाई डीले ख़त्म यहाँ पे। अभी गाड़ी चल रही है अपनी, जस्ट निकली है, 25 किलोमीटर हुआ है डीडीओ से निकल के 9:30 बजे। अभी चल कर थोड़ा सोया जाए क्योंकि अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और कुछ दिखाने के लिए खास बचा नहीं है, सब स्टेशन रात में होने वाले हैं, और 3 बजे रात में उठना भी है देखने के लिए गाड़ी कहाँ है, और 4 बजे तक तो उतर ही जाएंगे गाड़ी से। रात के लिए गुड नाइट, प्रॉपर रिव्यू कल देते हैं, खाने पीने का रिव्यू तो यहाँ तक हो चुका है।
अब बारी है भाई बदले की। बहुत देर से चल रहा था पीछा, यहाँ पे ओवरटेक होने वाला है कालका मेल का। हम लोग सासाराम जंक्शन में भी नहीं रुकने वाले हैं, गया भी हमारी ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी, इसलिए यहाँ पे हुआ ओवरटेक। कालका मेल लूप पे इंतजार कर लिए, चलिए ओवरटेक करते हैं, इसके बाद सोया जाएगा क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। कहने का मन तो नहीं है लेकिन रात के 3 बज रहे हैं, अभी हम लोग बोकारो स्टील सिटी पहुंच चुके हैं। मतलब 2:15 का टाइम था पर यहाँ पे 45 मिनट्स का डिले जो है वो चल रहा है। मुरी पहुंचने के चांस हैं 4 बजे तक के और रांची 5:15 या 5 o'clock कट टू कट। तो हम लोग गाड़ी को मुरी में ही छोड़ने वाले हैं। भाई रात में क्या भागिए, 2 घंटे का जो डिले चल रहा था वो कवर कर लिया गाड़ी ने। मैं तो जस्ट अभी उठा हूँ, होश कुछ नहीं थे मेरे को, मैं सो गया था उसके बाद ओवरटेक लेकर के नेताजी को। मुझे लगा नहीं था कि ओवरटेक करेगी भी पर वो हो गया। उसके बाद कुछ मत नहीं थी, मस्त से सो गया था। अभी नींद खुली है, खुली के अलार्म लगाया था 3 बजे का, उस अलार्म की टेंशन में 10-15 मिनट पहले नींद खुल गई, तब जाके हाल है। बोकारो आप लोगों को दिखा पाया हूँ। जो लोग बोकारो से हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। और रांची में फिर से नहीं पहुँच पा रहा हूँ, मेरी किस्मत थोड़ी सी इस बार ख़राब रही है, रांची वालों बुरा मत मानना। कोशिश मैं मेरे एंड से कर रहा हूँ पर कभी कभी चीज़ें मैच नहीं होती और यहाँ बारिश भी हो रही है। चलते हैं अंदर। तो भाई फाइनली हम लोग मुरी पहुँचे हैं 3:45 के बाद। अब यहाँ से गाड़ी को रांची जाने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगेगा क्योंकि थोड़ा घाट सेक्शन है। आप लोगों ने गरीब रथ के टाइम देखा होगा, गरीब रथ की जर्नी के टाइम, तो वंदे भारत से इसका हो जाता कट टू कट। टिकट तो मेरी खैर रांची तक थी, फर्स्ट एसी कराया तो था पर इन्जॉय करने के लिए नहीं कराया था, लग्जरी दिखाने के लिए नहीं कराया था, कहीं टिकट नहीं मिल रहा था। बच्चा देखो स्लिपरी भी है, बारिश लगातार हो रही है, तो फर्स्ट एसी इसीलिए करवाया था ताकि वंदे भारत के टाइम तक पहुंच सकें। इतने जो एफर्ट लेते हैं आप ही लोग के लिए लेते हैं, तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, नए हो तो सब्सक्राइब करो क्योंकि आप लोग के लिए इतने एफर्ट लेते हैं। और आगे की जर्नी जो है वंदे भारत की वो अब जगराते के साथ होने वाली है। मतलब रात में यहाँ पर जागना पड़ेगा मुझे काफ़ी, मतलब 6:10 के आसपास आएगी गाड़ी और ये जो पीक टाइम है ना सोने का ये सबसे ख़तरनाक होता है, इसी में नींद आती है मेन। तो अपनी ट्रेन नंबर 128 26 पे जर्नी यहीं पे एंड होती है।
फूड रिव्यू तो हम लोगों ने कल किया, ट्रेन का बढ़िया था, साफ़ सफाई एवरेज सी है, सीट अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है तो आपको समय से कराना पड़ेगा, मतलब 8 दिन 10 दिन पहले कराओगे 2 AC 1 AC में तो मिल जाएगा, 3 AC स्लीपर समय से कराना पड़ेगा, 1.5 महीने के लगभग आपको समय चाहिए। रूट इसका वही है अपना, आनंद विहार टर्मिनल से खुलती है फिर कानपुर सेंट्रल आती है, और उसके बाद बाकी का रूट आपने इस वीडियो में देख ही लिया। अपनी ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल भी हो गया। अगर वंदे भारत का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर वो वंदे भारत का वीडियो नहीं आया है तो बस आता है 1.5-2 दिन में आ जाएगा वो वीडियो भी, उसकी टेंशन मत लो, वो जिम्मेदारी मेरी है। मिलेंगे जल्दी ऐसी बहुत सारी जर्नी में, बहुत सारे ट्रेन का रिव्यू करेंगे, बहुत सारे रूट्स का रिव्यू करेंगे, आप लोग से अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।